उत्तर प्रदेश के बागपत विच पिछले 40 दिनों तो दिल्ली सहारनपुर हाईवे उत्ते अंदोलन कर रहे किसानों उत्ते पुलिस वल्लों लाठीचार्ज किया गया आते उन्हां नूं प्रदर्शन वाली थां तो उठा दिता गया। आज NHI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, चूंकि NHI के कार में बाधा पहुंच रही थी तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए, चूंकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख लिए। कितने दिन से धरना चल रहा है? कितने लोग थे ये? हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे, एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कम था, उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भिजवा दिया। बल प्रयोग किया या नहीं किया? नहीं, किसी भी तरह का कोई नहीं, वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले। लोगों का आरोप है कि लाठीचार्ज करके हमारे खाना खा रहे थे हम इस टाइम। बल प्रयोग किया या नहीं? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। किसान एम्बुलेंस में जो दो बुजुर्ग भेजे गए हैं ये किस हॉस्पिटल में भेजे हैं? वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, उनको घर पे भेजा गया। चूंकि बुजुर्ग थे उसमें से एक थोड़ा सा उसका दिमाग जैसा हम लोगों को पता चला कि थोड़ा सा मतलब वो था, उसको घर पे भेजा गया। सबको चोट लगी है, खून निकल रहा है? नहीं, किसी को भी तरह की कोई चोट नहीं लगी। उत्थे ही भारतीय किसान यूनियन दे नेता राकेश टिकैत ने मीडिया नाल गलबात दौरान कहा कि ओ लाल किला उत्ते हुई हिंसा दी जिम्मेवारी नहीं लेंदे अते उना दा आंदोलन जारी रहेगा। फैसला लिया गया वहां पे ये हो गया कि जिसने लाल किले के ऊपर वो धुरजो करा उसको संगठन से और सामाजिक उससे और जो संगठन उनको लेकर गया था, जो लीड कर रहा था, उनको सबको वहां से निकालना है पूरे पंजाब में। तो क्या अभी आपका आंदोलन जारी रहेगा इस तरीके से? नहीं, आंदोलन अभी जारी है पूर्ण रूप से। लेकिन क्या जो भी लाल किले पर हुआ उसकी जिम्मेदारी आप लोग ले? नहीं, हम क्यों लेंगे उसकी जिम्मेदारी? जो ली उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। भाई पुलिस की गोली कहाँ चली गई थी? अगर कोई लाल किले पर जा रहा है झंडे के पास में जा रहा है तो पुलिस की गोली कहाँ चली गई? लेकिन फिर आप लोग रूट पे नहीं गए? नहीं, रूट पे हम नहीं। अरे वो तो पूरा एक जो प्लान के तहत पूरे लोगों को दिल्ली जाने का रास्ता दिया। हमारे लोग तो फिर भी दिल्ली से 4 बजे तक पूरे वापसी आए। सर ये आज बीएन सिंह चले गए? हाँ, उनको पता होगा, पहले बात होगी प्रशासन से उसकी। सर कई सारे आरोप उन्होंने आपके ऊपर? हाँ, आज ही लगाए मैं 2 महीने से यहाँ, जब तो लगाए नहीं बाबा। 10 दौर की मीटिंग हो चुकी थी, तक बीएम सिंह ने कुछ नहीं बोला, फिर आज आके खुल के क्यों बोला? आज पता चल गया होगा ना, प्रशासन से बात होगी कि भाई तू चला जा। हाँ तो ठीक है, अब बिल्कुल है, होगी। आंदोलन कर रहे तो कार्रवाई किस पे होगी? और हमारे पे तो होगी। आप लोगों को लगता नहीं कि जो है जो हुआ गलत हुआ? नहीं नहीं, किस चीज का गलत हुआ बताओ? क्या गलत? नहीं, लाल किले पे होया तो उनके खिलाफ करो ना, उनके खिलाफ। वो भी आंदोलनकारी तो उनके खिलाफ करो ना, जो लोग थे जो लाल किले पे करा उसके खिलाफ करी पुलिस ने कार्रवाई, वो करो। लेकिन कुछ अच्छा होता तो श्रेय आप लोगों को? गलत हुआ मैं कह रहा कि गलत हुआ है तो हम उसके साथ में थोड़ा आए कि जो गलत हुआ उसके खिलाफ करो कार्रवाई। देश दुनिया दी ताजा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरों के लिए फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम के उत्ते खबरों के नाल नाल वीडियो देखने के लिए फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसी एप्पल टीवी के उत्ते भी वेख सकते हो ते नाल ही अजीत अखबार का डिजिटल एडिशन पढ़ने के लिए डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।